लोग जानते हैं कि हम पिछली बार भी इस विधानसभा से चुनाव लड़े थे और आप लोगों का अच्छा खासा आशीर्वाद हमें मिला था, और बीखनपुर से दूसरा नंबर रहा वोट परसेंटेज में मेरा, और शहबाजपुर से ज़्यादा अप पड़ा था। इस बार हम अपना नाम नॉमिनेशन कराने के बाद, छाप मिलने के बाद, हम वीआईपी पार्टी को अपना समर्थन दे दिए। इस तरह हमें बहुत से दोस्त और बहुत से लोग बहुत सी बातें बोल रहे हैं हमारे पीछे में कि कुछ बिक गए, ये हो गया, वो हो गया। हमने मुकेश सहनी जी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि भाजपा ने जो इनके साथ किया इससे हमें बहुत दुख हुआ। अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ने वाले मुकेश सहनी जी, जिस तरह आज ये अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आज हम लोग इनका हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो फिर 10-20 साल ऐसे व्यक्ति फिर नहीं उठ सकते हैं। जितना ये लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं, इसी को देखते हुए हमने भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी और हम सभी लोगों ने मिलकर हमने वीआईपी पार्टी का समर्थन किया। और आप लोगों से भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी तन मन धन से वीआईपी पार्टी का समर्थन कीजिए, और जितने भी छिटपुट दल है जो यहाँ से वहाँ चले गए हुए हैं वो भी वीआईपी पार्टी का समर्थन करके वीआईपी पार्टी के हाथ को मजबूत करिए, तब जाके आपकी सदन में आवाज उठा सकते हैं। आपका बीखनपुर प्रखंड का एक मामला है, बीखनपुर को प्रखंड बनाने का बहुत दिनों से, सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का हाथ मजबूत करिए, इनको सदन में बोलने का मौका दीजिए, ये अगली बार बीखनपुर प्रखंड की मांग को रखेंगे और बीखनपुर को प्रखंड बनवाया जाएगा। और भी बहुत सी समस्या है आप लोगों के, लोकल मुद्दे हैं जिन पर अध्यक्ष जी को जीत जाने के बाद, रमई राम जी की लड़की को जीत जाने के बाद आप लोग की समस्या को दूर किया जाएगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ताकि भारी से भारी मतों से आप जो है चयन को जिताइए और मुकेश सहनी भाई का हाथ मजबूत कीजिए। मैं भारतीय जन परिवार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी अपना समर्थन किया हूं, और मैं राजेश राम रमैया जो है उसको भी अपना समर्थन उनको दिया हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।